Hello, welcome. I, Sachidananda Pandey, welcome in class of physics. And today I am going to solve the numericals related to wave optics. In wave optics, we will see a numerical which is related to the wavelengths, and we have to find reflected. The question is that a monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident on a water surface. What are the wavelength, frequency and speed of a reflected light and refracted light given refractive index is equal to 1.33. यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसमें दिया हुआ है वेवलेंथ दिया हुआ है और यह इंसिडेंट हो रहा है वाटर सरफेस पर और इसका हमें निकालना है वेवलेंथ निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है एंड स्पीड निकालना है जब लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है साथ ही साथ रिफ्रैक्शन हो रहा है ऐसी स्थिति में हमें इसका स्पीड निकालना है फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेवलेंथ निकालना है तो हम लोग क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं शुरू में कि इन रिफ्लेक्शन देर इज़ नो चेंज इन वेवलेंथ देर इज़ नो चेंज इन स्पीड एंड देर इज़ नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी जब इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंट लाइट का वेलोसिटीज़ में कोई चेंजिंग नहीं होगा वेवलेंथ में कोई चेंजिंग नहीं होगा और स्पीड में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है तो इन आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे लिखेंगे क्या कि सिंस इन रिफ्लेक्शन सिंस इन रिफ्लेक्शन स्पीड नहीं फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड एंड वेवलेंथ डजंट चेंज डज नॉट चेंज कोई चेंज इसमें नहीं होता है ठीक है यानी वेवलेंथ भी सेम रहेगा फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा और स्पीड भी सेम रहेगा ठीक है यानी स्थिति बन गई कि मान लीजिए एक वाटर लेयर है ये वाटर सरफेस दिया हुआ है और इसी पर एक लाइट इधर से आ रही है इंसिडेंट हो रही है और यह रिफ्लेक्टेड होकर चली गई ठीक है आई और रिफ्लेक्टेड होकर के चली गई तो इसमें क्या क्या चीज़ सेम हो गया जी स्पीड सेम स्पीड डजंट चेंज स्पीड जो हुआ यह हो गया सेम कोई चेंजिंग नहीं हुआ फ्रीक्वेंसी यह भी सेम फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गया सेम हो गया फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गया स्पीड हो गया वेवलेंथ वेवलेंथ भी नो चेंजिंग वेवलेंथ भी मेरा सेम हो गया कोई चेंजिंग नहीं हो गया तो हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी हुआ कितना जी फ्रीक्वेंसी हुआ कितना क्योंकि हमें वेवलेंथ का वैल्यू दिया है लेमडा का वैल्यू दिया गया है लेमडा इज इक्वल टू 589 है नैनोमीटर है यानी कि 589 इंटू 10^-9 मीटर दिया हुआ है इतना दिया हुआ है लेमडा का वैल्यू स्पीड जानते हैं सी इज इक्वल टू कितना जानते हैं 3×10^8 मीटर पर सेकेंड जानते हैं इतना हम लोग को पता है हमें म्यू निकालना है म्यू की वैल्यू कितनी होगी यही क्वेश्चन है तो हम लोग कैसे निकालेंगे म्यू का वैल्यू फार्मूला हम लोग को पता है म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 3×10^8
डिवाइडेड बाय लेमडा का वैल्यू है 589 इंटू 10^-9। इसको जब हम लोग भाग देंगे तो हमारा भाग आ जाएगा 2 point something, हम लोगों को भाग आ जाएगा 5.0933 HZ। ये मेरी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। वेलोसिटीज भी हमने देख लिया, वेवलेंथ भी हमको निकल गया। तो मेरा वेवलेंथ कितना हो गया जी आंसर में, मेरा स्पीड तो यही हो गया 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना आ गया जी, तो 5.0933, इतना HZ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेमडा कितना है जी, तो लेमडा मेरा सेम है 589×10^-9 मीटर, दिस इज द आंसर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ, ठीक है। अब बाकी बच गया दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम देख रहे हैं इन पार्ट सेकेंड, बी पार्ट में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। रिफ्रैक्शन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मान लीजिए ऊपर से लाइट की वेलोसिटी 3×10^8 आ रही है, दूसरे मीडियम में इसको जाना था तो ये थोड़ा सा बेंट कर गई। बेंट करने का कारण है कि वेलोसिटी क्या हो गया, कम हो गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं क्या, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सी, सी का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड यहाँ पर हो गया मेरा वेवलेंथ दिया हुआ है लेमडा, इतना होगा सेकेंड मीडियम का वेवलेंथ दिया हुआ है। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाई म्यू, तो सी का वैल्यू कितना हो गया, तो सी का मतलब लेमडा वन का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या चीज़ हम लोग जानते हैं ना, म्यू इज इक्वल टू, एक और फार्मूला हम लोग जानते हैं, म्यू इज इक्वल टू लेमडा वन बाई लेमडा टू। इस तरह से वेलोसिटी इन एयर बटा वेलोसिटी इन मीडियम, ये निकालना होता है तो हम निकाल देंगे। म्यू का वैल्यू कितना होगा, तो लेमडा वन जितना होगा उतना ही म्यू वन दिया हुआ है, और ये लेमडा टू हो गया। लेमडा टू हमको निकालना है, तो लेमडा वन का वैल्यू मेरा इसके बराबर हो गया, दैट मीन्स सी की जगह पर हम लिख सकते हैं लेमडा वन की वैल्यू, तो यहाँ लिख देंगे लेमडा वन बाई लेमडा टू हमें निकालना है। तो यहाँ हो गया 589×10^-9, म्यू का वैल्यू हमको दिया है 1.33, ठीक है। तो 589 में अगर हम 1.33 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आ जा रहा है 442.738, इतना आ गया मेरा मीटर, यही मेरा वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो मेरा वेवलेंथ निकल गया, वेलोसिटीज़ भी निकाल देंगे, वेलोसिटी भी चेंजिंग होती है। तो वेलोसिटीज इन सेकेंड मीडियम निकालना है तो v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v2 इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा v1 यानी 3×10^8 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1.33 से हम भाग दे देंगे। कितना से भाग देंगे, 1.33 से, तो हमारा लेमडा निकल जाएगा, हमारा वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटीज कितना होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाल देंगे, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, और हमारा लेमडा का वैल्यू आ गया है। अब इसी तरह से हम इसका वैल्यू भी निकाल देंगे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी निकाल देंगे। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू म्यू इज इक्वल टू v1/v2 होता है, तो v1/v2 तो 3×1.33 इसको हम लोग काटेंगे तो इसका आ जाएगा कितना, इसका आ जाएगा हमारा 2.255।
इसका आ जाएगा काटेंगे तो 2.55 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वेलोसिटी से मेरा निकल गया, तो मेरा वेलोसिटी निकल गया, ये मेरा वेवलेंथ निकल गया, ठीक है। दीज आर दी आंसर।